सर मेरी भी कहानी ऐसी है ना सर, कि मैं एजुकेटेड हूँ बायोटेक्नोलॉजी में और फूड साइंस में। मैंने यहाँ नवी मुंबई में बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन किया, फिर कनाडा चला गया था 3 साल। वहाँ पर मैंने फूड साइंस की डिग्री हासिल की और वहाँ पे मैं जॉब करता था। फिर मेरी शादी की बात हुई तो पिताजी ने कहा, अब आप कनाडा में सेटल नहीं होना, आप वापस आओ, यहीं गांव में शादी करेंगे और आप बिजनेस संभालो। तो मैं 2014 से 14 15 16 कनाडा में था। जनवरी 17 को मैं वापस इंडिया आया और आपने मैं, बहुत इजीली मान लिया, फिर आप कुछ आपने कुछ रिवोल्ट किया उस पे कोई? सर मैंने ना रिवोल्ट किया ना इजीली माना, इस पे मैंने कम से कम एक हफ्ता सोचा और बहुत गहरी सोच तक सोचा और बहुत लोगों से मशवरा किया, यानी कि जो बिजनेस लाइन से भी है उनसे भी, हम उम्र लोगों से भी, बड़े लोगों से भी, और जो रिलीजियस लोग हैं उनसे भी मैंने मशवरा किया। मेरे फादर से भी मैंने बहुत बहुत लंबा चौड़ा मशवरा किया। एक हफ्ता सब कुछ छोड़ के बस मैं इसी पर गौर कर रहा था, और सब कुछ करने के बाद में मैं भी थोड़ा इमोशनल बन रहा हूँ सर। तो मेरे फादर का जो सर्कल है ये टिम्बर बिजनेस का, उसमें बहुत सारे गुजराती पटेल लोग हैं, एंड उनका यही कहना था कि तुम्हारा बेटा जहाँ गया है बहुत अच्छी जगह है। मैं टोरंटो में था सर, तो उनका कहना यही था कि अपने बेटे को वापस मत बुलाओ, उसको अपनी लाइफ एंजॉय करने दो। तो मेरे फादर ने भी मुझे ऐसे ही बताया कि बेटा जो भी करना दो बार सोच के करना, और अगर आपको वहीं पर आगे बढ़ना है तो आपकी मर्जी। तब फिर मेरे दिल में ऐसी बात आई कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अब मैं एंजॉय करूँ उनको छोड़ के, ये बात मुझे गवारा नहीं था। तो मैं फिर सब कुछ छोड़ के वापस उनके पास आ गया। क्या मैं ये रिकॉर्डिंग जो है पिछले 2 मिनट की काट के अपने ऑडियंस को दे सकता हूँ जो आपने मुझे बोला? हाँ जरूर सर, ये सिर्फ ये 100% सिर्फ सच ये बात है। वाली जो आपने मुझे अभी बोला कि भाई मैं जिसने मुझे जन्म दिया और भाई कनाडा से मैं इधर आ बिल्कुल गया, बिल्कुल, क्योंकि ये ये वाला? हकीकत है, ये सच्ची बात है, ये आप ले सकते हो। ये इसी वजह से मैं आया सर। और मैं कुछ बोलूं? बोलो। बोलूं सर। मैं जब आ रहा था तो सब लोग मुझे यही बोल रहे थे कि बेटा तू गलती कर रहा है, यहाँ पे लोग आने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आ नहीं पाते, तू पहुंच चुका है और तू सब कुछ छोड़ के वापस जा रहा है। बस 100 में से कोई एक दो जन थे जो कह रहे थे कि तू वापस चले जा, बाकी सबका कहना था कि तू रुक जा, लेकिन मैं नहीं रुका। यहाँ तक कि मैंने जब वहां पे पढ़ाई किया तो मैं पार्ट टाइम जॉब करता था ग्रोसरी स्टोर में, तो वहां पे मुझे वो सेठ ने, वो गुजराती थे, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया था कि बेटा तू हमारे साथ 5 साल और काम करना, हम लोग एक नया ब्रांच डालेंगे वहां पे, तू एज अ पार्टनर मैनेजिंग पार्टनर काम करना। तो वो भी मेरे पास ऑफर था, वो भी मैं छोड़ के आया, और छोड़ के आने से एक हफ्ता पहले एक हैदराबादी बंदा मिला था, तो वो कह रहा था कि तुमने फूड साइंस की पढ़ाई की है और मैं फूड साइंस की मार्केट को थोड़ा पहचानता हूँ, हम लोग पार्टनरशिप में प्रोसेस्ड फूड को मार्केट में लाएंगे। तो मैं तब उनसे कहा कि मैं अब डिसीजन ले चुका हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा।